शब्दों आए देव कल की ना मारियो एक और जगह एक और कई डाल की आसियो है एक लंगवाड़ी आसियो है वह ना आशा करो नु आशा करो वो ये हाँ जी तो आइए हमारे पिता समान महाभारत को लेकर आए हैं। देखिए महाभारत आज का दिन घर घर में महाभारत है, सासू बहू की महाभारत है, बाप बेटा की महाभारत हो रही है। क्यों आगे और बढ़ाओ हो ना लड़ाई झगड़ा का साग है ताऊ, महाभारत नहीं देखा करते, अगर सुनोगे तो दंडी लड़ाई करोगे क्योंकि साफा होगा है। तो आइए अब तो हाँ वह सुना देंगे जो फरमाश करी थी पानी आली पानी कह दी, वो फरमाश आपकी हो जाएगी। ताई ठीक प्रोग्राम हंदाइयों नाए एक चुटकला छोटा हताऊ एक दूसरी लुबाई बतलाइए। कद आई तू नुबली में परसू आई सुआए तेरा पति देवर जेठ तेरा ससुरा ठीक से नू बोली ना ना सोली हमारा तो नू बोली तू बता अपने काम में ताऊ दादा काका ठीक ठाक से नू बोली वो मांगे दादा ने जो बचपन में तने टोपी दिया करता वो तेरे लाड लड़ा करदार वो देखे खाट में बैठा हर बुढ़ा नरगंडा सा न जगा कोनी लाखों की करोड़ों की कोठी बना लो और देख टूटी ही खाट है उसमें खाट में भी की सारी डंड बैठे काटे है। ए पड़िया पड़िया दो बार सांस डालिया एक लाए कुक है दुखी हो रहा है। नु बोली ए मन ने भी मिला दे कई नु बोली दादा राम राम ए लाडो गढ़े धन मा आए धापा आए धापा तेरा बटे ठीक से लिया सर पुचकारू। नु बोली ना दादा जिसके ब्याही थी ना वो छैक भी ने ठीक ठाक चलिया था फिर वो तो गुरड लिया था मर लिया था। ए लाडो इब क्यों कर दिन कटे से तेरे फेर दादा मैं जेठ का पल्ला लगा दी थी जेठ का पल्ला उड़ लिया। ए जेठ तो पढ़िया लिखा होगा सामाजिक आदमी ठीक ठाक होगा वो तो। नू बोली ना दादा वो भी तीन एक बिन्ने ठीक ठाक रहे और फिर वो भी गुरुड लिया था मर लिया था। हे लाडो इब क्यों गर्दन कटे से फिर दादा मैं देवर का पल्ला लगा दी देवर का पल्ला उड़ लिया था। हे नौजवानों का देवर तो नू बोला ना दादा उसकी परसू है तेरा नुकर किया ईश वो भी जा लिया बुढ़ला बिया सरपात फेर की नु बोला ए लाडो जिसका पल्ला उठे उससे का संकट काटे है। ए लाडो दो बार मेरा भी सांस डालिया नो कर दो चार दिन मेरा और पल्ला उठ ले ता मेरा भी संकट कट गया तो। तो ये तो संकट काटने की चीज है बाबा। तो आइए आपके बीच में